हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूबिनीज थ्योरम ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन, और इस थ्योरम का यूज करके हम डबल इंटीग्रल को कैसे फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे। देखिए, ये एक पर्टिकुलर रीजन पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। वो रीजन जो है वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि जो डोमेन होगा वो रेक्टेंगल होगा। इसी को हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस ओवर द रेक्टेंगुलर रीजन आर डिफाइंड एज एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड वाई लाइज बिटवीन सी एंड डी, देन द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई ओवर आर मे बी इवेल्यूएटेड बाय आइदर आइट्रेटेड इंटीग्रल, दैट इज डबल इंटीग्रल आर ऑफ एफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी टू डी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू। सो देखिए थ्योरम क्या बोलती है, जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वो एक रेक्टेंगुलर रीजन पे कंटिन्यूअस है, तो जो उसका डबल इंटीग्रल होगा वो हम इन दो तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। या तो मैं पहले डी एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, और फिर ये लिमिट कैलकुलेट करूं, या फिर पहले मैं इसे डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, ट्रीटिंग x कॉन्स्टेंट, और उसके बाद फिर dx के रिस्पेक्ट में। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि dx dy का जो ऑर्डर है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आई कैन चेंज द ऑर्डर dx dy एज पर माई रिक्वायरमेंट। आइटरेटेड इंटीग्रल का मतलब होता है दिस इज जस्ट लाइक पार्शियल डिफरेंशिएशन इन रिवर्स। Iterated integral is just like partial differentiation in reverse. Partial differentiation में क्या होता था, एक variable के respect में करते थे, दूसरे को constant treat करते थे। वैसे ही यहां पर integrate करेंगे एक variable के respect में और दूसरे को constant treat करेंगे। चलिए इसके कुछ questions करते हैं। इसे questions को मैं तीन part में divide कर रहा हूं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सी क्वेश्चंस इन विच ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, कि एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करा जाए या वाई के रिस्पेक्ट में, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस हमारे काम को करने का प्रोसेस हम देखेंगे किस प्रोसेस में करना है जिससे हमें आसानी हो। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑफ सिंपल नेचर। सो इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर आर ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 वेयर आर इज अ रेक्टेंगल सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस, एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, वाई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए फिबोनाची थ्योरम क्या बोलती है, कि इस पूरे का इंटीग्रल मेरा ये मैं लिख सकता हूँ या फिर ये भी लिख सकता हूँ। चलिए हम पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई मैटर नहीं करता आप पहले x के रिस्पेक्ट में कीजिए या y के रिस्पेक्ट में। सो इंटीग्रेशन ओवर r ऑफ x टू द पावर 2 y टू द पावर 5 डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले y का लिखता हूँ, 0 टू 1, तो बाहर एक dy आ जाएगा, देन x की लिमिट्स 1 टू 2, फंक्शन x स्क्वायर y टू द पावर 5 dx। ग्रीन जो है वो x के लिए है, ब्लू जो है वो y के लिए है। सो वी विल हैव दिस विल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 dy। अब देखिए
y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सो वी विल हैव x टू द पावर 3 बाय 3, पावर है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 3 बाय 3, और y टू द पावर 5 एज इट इज रह जाएगा, एंड वी हैव लिमिट्स फ्रॉम 1 टू 2, सो 0 टू 1 dy एज इट इज. लेट अस सॉल्व द इंटीरियर पार्ट. लिमिट सॉल्व करेंगे, पहले 2 आएगा फिर 1, और ये y टू द पावर 5 बाय 3 कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा. सो 2 पुट करते हैं तो 8, माइनस 1 पुट करते हैं तो 1, सो इट विल बी लाइक दिस. सो वी विल हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 7, y टू द पावर 5 अपॉन 3. अब देखिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 7 बाय 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. y टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू द पावर 6 बाय 6, और यहाँ पर इसकी आ जाएंगी लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1. सो दिस इज इक्वल टू 7 बाय 3 1 टू द पावर 6 बाय 6 माइनस, y को 0 पुट कीजिए, 0, वी विल हैव 7 बाय 18. दिस इज अवर आंसर. ऐसे ही आप होमवर्क में पहले इसे dy के रिस्पेक्ट में कीजिए और फिर dx के रिस्पेक्ट में. मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ आपके होमवर्क के लिए जो बहुत सिंपल हैं, आप उनको प्लीज सॉल्व कर लीजिए. सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में करेंगे. 0 से 1 y की लिमिट है, तो आप इसे पहले y के लिए सॉल्व कीजिए, x को कांस्टेंट लेके लिमिट पुट कीजिए, उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए और 0 से 2 लिमिट पुट कीजिए. ये कांस्टेंट फंक्शन है 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है ओवर दिस रीजन R, वेयर R इज डिफाइंड एज 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3. सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें x और y की लिमिट कांस्टेंट होगी. सो लेट अस मूव टू अवर टाइप 2. इसमें जो क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ओवर 1 टू 2 एंड 1 टू 3, एंड द फंक्शन इज एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई. अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो इस क्वेश्चन में पहले x के रिस्पेक्ट में करूं या पहले y के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जो है सिमेट्रिकल है, ऊपर भी एक्स वाई है नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो देखिए पहले हम इसे जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में इंटीग्रेट करते हैं. सो वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट. सो वी हैव दिस क्वेश्चन, वी विल डू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3 विद रिस्पेक्ट टू x. अब देखिए जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं क्या होगा. y जो है वो कॉन्स्टेंट है, सो वी कैन पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज टी. सो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. आपको एक मैं टिप दे रहा हूँ, आप अपनी क्लास 12th की बुक उठा के इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपका इंटीग्रेशन वीक है तो. यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लेने चाहिए क्योंकि वी विल बी यूजिंग फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन. सो आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं. सो 2x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ पर x dx पहले से है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस. तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 2x dx को मैं लिख दूंगा dt, y रह जाएगा ऊपर होल डिवाइडेड बाय x square प्लस y square को लिख देंगे t. सो दिस विल बी y बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt. 1 बाय t का इंटीग्रेशन होता है ln, सो इट विल बी ln t, प्लस c नहीं लिखूंगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है. सो दिस विल बी व्हाट, y बाय 2 ln
टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, सो वी विल हैव इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 डी वाई। नाउ ये डीएक्स वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया हमने, दिस इज व्हाट, वाई बाय टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक थी, 1 से 3 तक, सो दिस विल बी फ्रॉम 1 to 3। सो वी हैव 1 to 2 डी वाई, इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, y बाय टू तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, एल एन अपर लिमिट लगाएंगे पहले, x की जगह पे 3 आएगा, सो इट विल बी 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन, सो दिस इज इक्वल टू 1 to 2 y बाय टू एल एन 9 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 1 to 2 y बाय टू एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। दिस इज नॉर्मल एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये दो पार्ट आ गए, दोनों में मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, पुट 9 प्लस वाई स्क्वायर एज u एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर एज v। तो देखिए यहाँ पर क्या है, y है, इसका डेरिवेटिव y dy मर्ज हो जाएगा, सो वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, वी विल हैव 2y dy इज इक्वल टू du एंड हेयर 2y dy इज इक्वल टू dv। सो वी विल हैव इंटीग्रेशन y dy को मैं du लिख दूंगा, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, सो दिस डिनोमिनेटर विल बिकम 4 एंड वी विल हैव 2y dy एज du एंड दिस विल बिकम u, ये आ गया ln mod u। ऐसे ही यहाँ पर होगा, 1/4 को बाहर ले लेता हूँ, 2y dy मेरा dv बन जाएगा एंड दिस विल बिकम v, ln mod v। सो वी विल हैव 1/4 एल एन यू का इंटीग्रेशन करना है, आई लेट लगाना पड़ेगा, सो एल एन यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स इज यू माइनस एल एन यू का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/u आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज यू एंड दिस शुड बी इंटीग्रेटेड बाय यू। ये मैंने कुछ नहीं किया, आई लेट लगाया है, सो यहां पर भी सेम आएगा, एल एन वी माइनस 1/v वी डी वी, सो दिस इज वॉट 1/4 यू एल एन यू माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन इज यू माइनस 1/4 वी इंटू एल एन वी माइनस वी। अब देखिए हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू रिटर्न करेंगे और जो लिमिट थी 1 to 2 वो अप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव 1/4 u की वैल्यू क्या है, 9 प्लस वाई स्क्वायर एल एन 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर एंड अवर लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2। सो पहले 2 लिमिट पुट करते हैं, 2 to 4 प्लस 9 13 एल एन 13 माइनस 13, अब 1 पुट करूंगा सो इट विल बी माइनस 9 प्लस 1 स्क्वायर 10 एल एन 10 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस 10 माइनस 1/4 2 पुट करूंगा तो आएगा 5 2 to 4 प्लस 1 5 एल एन 5 माइनस 5 माइनस 1 पुट करूंगा तो आएगा 2 एल एन 2 प्लस 2। लेट अस सॉल्व दिस, सो वी विल हैव 13
ln 13, ये कितना हो जाएगा माइनस 3, माइनस 10 ln 10, माइनस 5 ln 5, दिस विल बिकम माइनस 3 एंड माइनस माइनस प्लस 3, माइनस 2 ln 2, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये 3 कैंसिल हो रहा है, यहां पर 10 है, 10 को मैं 5 और 2 में ब्रेक कर सकता हूं, सो लेट अस डू दिस। 13 ln 13, ये देखिए यहां पर ln 5 ln 2 है और यहां पर ln 10 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ln 2 into 5 में लिख सकता हूं ताकि उनके साथ मर्ज कर सकूं। सो व्हाट वी विल हैव, 1/4 13 ln 13 माइनस 10 ln 2 माइनस 10 ln 5, ये मैंने log की प्रॉपर्टी यूज की। सो दिस इज इक्वल टू 13 ln 13 माइनस 10 ln 2 प्लस 2 ln 2, ये हो जाएगा माइनस 8 ln 2 माइनस 10 ln 5 माइनस 5 ln 5, दिस विल बी माइनस 15 ln 5। अब आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू डाल के इसे सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। ऑन सिमिलर लाइंस आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, आप उसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट इट ओवर आर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dA, वेयर रीजन आर इज डिफाइंड फ्रॉम 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। x के लिए सॉल्व करते टाइम आपको यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा, y के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सो हमने दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, नेक्स्ट टाइप के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस फॉर यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 2 एंड 3, प्लीज सॉल्व देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।